मैं अधित आज और एक नए टॉपिक के साथ और एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके साथ आपके पास आया हूँ। तो आज जो तो इलेक्ट्रोड पाउडर को यूज़ करने से क्या क्या हम लोगों को बेनिफिट मिल जाएगा बाट का, तो उसका ही बढ़ेंगे पूरा आगे तक वीडियो में बात करेंगे। तो आगे वीडियो देखते रहना, आपको पता चल जाएगा इलेक्ट्रोड पाउडर क्यों हम लोग यूज़ करेंगे। हम लोगों को आसपास जो पक्षी घूमते रहता है उस पक्षी को क्यों प्रॉब्लम नहीं होता है, ये आपका दिमाग में है क्या? देखिए उस पक्षी का पूरा जो इन्वायरमेंट में घूमते रहता है तो परिवेश में आसपास, तो उन लोग और एक जगह से मिनरल्स और सब कुछ उन लोगों को मिल जाता है। जब भी उन लोगों को पानी पीना होता है पानी पी लेता है, खाना पीना खा लेता है, कोई भी मिनरल्स खाना होता है उन लोग उनके खा लेता है, तो उन लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। इसलिए हम लोग बाट को केज में पालते हैं, तो बाट को केज में पालने से बाट को तो सब मिल नहीं पाता, तो हम लोग बाट को उन लोगों को प्रोवाइड नहीं करेंगे तो उन लोगों को कैसे मिल जाएगा? ठीक है, तो हम लोग इसको सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। तो हम लोग आज इलेक्ट्रोल पाउडर में जो भी चीज़ रहता है उसको आगे भी डिस्कस करेंगे, और जो पानी है उसको मैं दे देता हूँ, क्योंकि पानी सुबह सुबह इन लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो इलेक्ट्रोल पाउडर का जो पानी है उसको देंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे से खाएंगे, क्योंकि मैं पहले भी दिया हूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छे से इन लोग खाते हैं। ठीक है, क्योंकि इन लोगों को बॉडी में पानी का कमी हो जाता है गर्मी में, तो इन लोग पानी जब भी टेस्टी पानी होता है बहुत ज़्यादा अच्छे से पानी पी लेता है। और आप लोग जब भी देखना बाट पुल के बैठा है पटना दोनों तरफ देखे बैठा हुए, तब भी आपको मालूम चल जाना चाहिए कि बाट का गर्मी लग रहा है और बाइक का डिहाइड्रेशन हो गया। तो डिहाइड्रेशन का सोल्यूशन ही है इलेक्ट्रोल पाउडर यूज़ करना। इलेक्ट्रोल पाउडर जो WHO का फॉर्मूला है तो आप लोग आराम से यूज़ कर सकते हो, और WHO का जो फार्मूला है ये आपको प्लेन मिलेगा, आप कोई भी जो फार्मेसी से लेके आते हो वो कलरफुल नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रोल पाउडर जो आपका इलेक्ट्रोल पाउडर जो इस तरह से आपको रहेगा इसको ही आप यूज़ करना, जो वाइट वाला WHO का रहता है इसमें कोई भी कलर कोई भी स्पेशल कुछ मिला हुआ नहीं रहता है, तो बाट का बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। और आप कलर यूज़ करेंगे तो बाट का प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप मैं बाट को इलेक्ट्रोल पाउडर दे देंगे, और इसमें सोडियम नाइट्रोजन पोटाशियम सब कुछ रहता है जो बाट का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस रिहाइड्रेशन से निकालने के लिए। तो आप लोग बाट को और 2 दिन के बाद यूज़ कर सकते हो। आप लोग इसके साथ साथ आप सुबह खाने में इन लोगों को क्यूकम्बर वाटरमेलन यूज़ करवा सकते हो, तो आप लोग इसको भी यूज़ करवा के बाट का हेल्थ पूरा अच्छा रख सकते हो। मेरे बाट को 300 ml पानी हर दिन लगता है, तो 300 ml पानी में आज यूज़ करेंगे उस इलेक्ट्रोल पाउडर को। पानी में एक बर्तन में लेके ले लिया हूँ, और मैं आधा चम्मच निकाल लिया हूँ, उसको पानी में मिला देंगे। ठीक है, मेरा जो 300 ml पानी है वो आधा चम्मच में ही हो जाएगा। ठीक है, इसको मिला देंगे, अच्छे से मिलाना, एक भी पार्टिकल नहीं रहना चाहिए। मिलाने के बाद इसको बर्तन में मैं केज में अंदर दे देंगे हर एक पक्षी को। जो भी पक्षी है मेरे पास वो सब उन सबको मैं प्रोवाइड कर दिया है इस पानी को, कि कितना अच्छे से इन लोग खाते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इन लोग अच्छे से पानी को पी लेगा, तो उन लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना होगा। तो आप लोग भी इसी तरह सुबह सुबह इन लोगों को इलेक्ट्रोल पाउडर देंगे तो आप लोगों को भी बाट का भी फ़ायदा होगा। ठीक है, आपको कुछ हेल्प हुआ है तो एक लाइक कर दीजिएगा, लाइक करना मत भूलना, एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है। और इस वीडियो का जो लाइक का मेरा टारगेट है वो आप 50 लाइक तो करवा देंगे। ठीक है, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आप लोगों को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप लोगों को जो साइड में बेल आइकन भी उसको भी क्लिक करना, नहीं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो मैं बहुत ही अच्छा बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हर 2-1 दिन में लेके आता हूँ,
तो आप लोग देखे, आप लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज का वीडियो अभी ख़त्म होता है, तो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।